यूनिवर्स सना हैदराबादी आपके लिए एक नया ब्लॉग लेकर आई है और आज मैं मौजूद हूँ घंटाघर में और घंटाघर की मैं आपको आज हिस्ट्री बताऊंगी और आज मैं अल नसीब का नाश्ता भी करूंगी और इसके साथ साथ खदड़ा गली की चाय भी पीऊँगी जो कि बहुत मशहूर है। मेरा ब्लॉग देखें और मेरे साथ रहिए, मैं जब तक आपको शॉर्ट्स दिखाती हूँ और इसकी हिस्ट्री बताती हूँ। हैदराबाद का कदीम घंटाघर किसी ज़माने में शहर का दरवाज़ा हुआ करता था और इस दरवाजे के ज़रिए लोग शहर में आया करते थे। कदीम घंटाघर को 1914 में सेठ नेवल राय ने तामीर करवाया और तकरीबन 15 साल कबल सिलाई हुकूमत की जानिब से इसको दोबारा से बहाल किया गया था। हैदराबाद की पहचान नेवल राय क्लॉक टावर दौरे कदीम की खूबसूरत तामीरात का शाहकार है और हैदराबाद की कदीम इमारतों में से एक और अपनी मिसाल आप है। एशिया का सबसे बड़ा बाजार शाही बाजार भी इसी घंटाघर पर इख्तिताम पजीर होता है, जबकि इससे मुंसलिक खदड़ा गली की चाय हैदराबाद समेत पूरे मुल्क में मशहूर है। इसके अलावा अल नसीब स्वीट्स की हलवा पूरी की तो क्या ही कहने। नाश्ता आ चुका है और अब मैं नाश्ता कर रही हूँ और इसके साथ साथ मैं मौजूद हूँ अल नसीब स्वीट्स पे जो कि घंटाघर के बिल्कुल करीब मौजूद है और बहुत फेमस जगह है हैदराबाद की। इस नाश्ते को करने के लिए लोग सुबह 5 बजे लाइन में खड़े भी होते हैं ताकि उनको नाश्ता मिल जाए। तो अल नसीब आएँ और यहाँ का नाश्ता ट्राई करें, बहुत फेमस इनकी हलवा पूरी है, बहुत टेस्टी है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं हलवा पूरी को ट्राई करने के लिए। मैंने अल नसीब का अब नाश्ता कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ खदड़ा गली की चाय पीने के लिए और मेरे साथ रहिए, मेरा ब्लॉग देखे आए, चाय पीते हैं खदड़ा गली की। जी ये है दिल्ली महफूज होटल, ये पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक मौजूद है और ये बहुत पुराना है और अगर आप क्लॉक टावर मार्केट आते हैं तो लाजमी यहाँ पर आएँ और यहाँ के खाने टेस्ट करें। यहाँ के खाने बहुत ज़बरदस्त हैं, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है और बहुत टेस्टी इनके खानों में। उसके साथ साथ यहाँ पर हाजी महफूज शीर माल भी मौजूद है, यहाँ पर आपको नान कुलचे और एवरीथिंग मिलेगा। और आइए अब खदड़ा गली बराबर में मौजूद है, मैं यहाँ चल के चाय पीती हूँ खदड़ा गली की, मेरे साथ रही, मेरा ब्लॉग देखें। मैं यहाँ की चाय पीऊँगी, चाय पीने के लिए खदड़ा गली की लोग दूर दूर से आते हैं और चाय पीते हैं, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इसका जायका अच्छा है। और आज आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ मौजूद है मेरे साथ, मेरा ब्लॉग देखें पूरा जब तक चाय पी लेती हूँ। आज मैं आई हुई थी घंटाघर पे और यहाँ पर मैंने अल नसीब का जो कि बहुत फेमस है यहाँ पर मैंने उसका नाश्ता किया और उसके साथ साथ खदड़ा गली की मैंने चाय पी और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी आपको दिखाने के लिए जो आपको मैं दिखाती रही और मज़ीद चीज़ें आपको मैं दिखाऊँगी इंशाल्लाह। हैदराबाद की अपडेट्स जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें सना हैदराबादी को।
और अपनी मेज़बान सना हैदराबाद को ज़्यादा दीजिए। मैं इसी तरह के हैदराबाद के लिए नए नए ब्लॉग्स आपकी खिदमत में लेकर आती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।